What does that shot? Hello friends, welcome back to my another video. I hope आप safe और healthy है. आज मैं जा रहा हूँ अनले मनी. ये सिरसी सिटी से बस आधे घंटे के डिस्टेंस पे ही है. रोड बहुत ही नैरो है, पहले तो इस ट्रक को जाने देते. मैं जब भी सिरसी आता हूँ तो यहाँ पे जरूर जाता हूँ. यहाँ पे पूरा आपको एक विलेज एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो वही आपको मैं शेयर करूँगा. आपको भी देख के बहुत ही मज़ा आएगा. आई होप आपने मेरे कर्नाटक के जितने भी वीडियोस अब तक मैंने अपलोड किए आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ ज़रूर देखना. मैं आई बटन में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा. कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगे वीडियोस. मुझे पर्सनली तो कर्नाटक बहुत ही पसंद है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है. ज़रूर एक बार विजिट करना ही चाहिए, बहुत ही नेचर से भरा है. आज जिधर जा रहा हूँ वो प्लेस भी पूरा नेचर से भरा है. सराउंडिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक हमारे फैमिली मेम्बर्स का घर है, उनका फार्म है, फिर बहुत सारे ट्रीज है, वो सब देखने मिलेगा. मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, तो होप करता हूँ मेरी वीडियो के थ्रू आप भी एक्साइटेड होंगे ये सब देखने के लिए. अभी ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 10 या 10:20 के आसपास का टाइम हो चुका है, तो आधे फैमिली मेम्बर्स तो पहुंच चुके हैं वहाँ पे लंच के प्रिपरेशन के लिए, तो हम लोग भी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे. बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा फैमिली साथ में होता है तो एक अच्छा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा और विलेज लाइफ भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. अभी हम लोग ऑलमोस्ट अभी और 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे. यहाँ से रोड ख़त्म, मुझे लेना है यहाँ से लेफ्ट. तो आप देख सकते हो यहाँ से अभी मिट्टी का रोड स्टार्ट. आजू बाजू में आप देख सकते हो पूरा झाड़ों से भरा है ये. अभी तो थोड़ा समर का टाइम चालू है तो पूरा ड्राई है. ज़रा मॉनसून का टाइम तो यहाँ पे पूरा ग्रीनरी होता है, बहुत ही मज़ा आता है उस टाइम पे. तो होप करते कभी मॉनसून में भी आए तो आपको उस टाइम पे भी वीडियो बना के दिखाऊंगा. बहुत ही मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने के लिए ऐसे साइड पे. ये XL6 कार लेके मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हुआ यहाँ पे. अभी ये कार फर्स्ट टाइम ही आ रहा है. परफॉर्मेंस तब तक तो मुझे बहुत ही सही लगा. आई होप आप ये नेचर देख के एंजॉय कर रहे होगे. हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, ये है घर. तो यहाँ पे कहीं तो गाड़ी पार्क करते. फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर तो बहुत ही मस्त लगा, तो सोचा चलो आपको एक थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा वॉक अराउंड दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है. देख सकते हो आप लेफ्ट साइड में एक फार्म जैसा किया है, तो यहाँ पे ही पूरा ऑर्गेनिकली पूरा वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब यहाँ पे ही ग्रो करते और यूज़ करते, जो कि पूरा फ्रेश रहता है. देख सकते हो आप ये फ्रूट्स और सामने फार्म है. तो ये सीजनल वाइज सब अलग अलग तरीके से ग्रेन्स, शुगर केन ये सब ग्रो करते. आप देख सकते हो कोकोनट का ट्रीज है और सुपारी का झाड़ यहाँ पे बहुत सारा है.
ये घर का पीछे के साइड का एरिया, यहाँ पे एक तबेला भी है। आज का क्लाइमेट तो बहुत ही मस्त है, ठंडा है पूरा। ये तबेला देख सकते हो, दो गाय है, ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकता, ये पहचानते नहीं है, खाली पेट भड़क जाएगा हम लोग, तो इनको उनके हाल पे रहने देते। यहाँ का बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे बायोगैस यहाँ पे ही बनाते हो, जो चूल्हे के लिए यूज़ किया जाता है, तो सब कुछ ऑर्गेनिक है यहाँ पे। यहाँ पे पॉन्ड भी है, तो पॉन्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ का वेदर बहुत ही मस्त है, फ्रेश एयर है। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना है, जो कि फार्म के लिए पानी के लिए यूज़ होता है। बारिश के टाइम तो पूरा फुल हो जाता है, और ये समर्स के टाइम तो इसे पानी का स्टोर का एक अच्छा सा यूज़ है। ये आप देख सकते हो, ये पाइप जो कि यहाँ से पंप होके सब जगह पे सप्लाई होता है। ये उससे भी बड़ा वाला पॉन्ड वाटर स्टोरेज के लिए। जहाँ भी देखोगे आप, पूरा ग्रीनरी, ना है घर है कुछ नहीं। मॉर्निंग टाइम यहाँ पे पिकॉक आते हैं, डियर्स आते हैं। ये है मेरा टूरिस्ट गाइड, ये मुझे गाइड कर रहा है कहाँ से जाना है कहाँ नहीं। छोटा टूरिस्ट गाइड मस्ती कर रहा है वो। यहाँ पे एक वेल बना है, जो कि नहाने के लिए या बाकी यूटेंसिल्स के लिए पानी यूज होता है। इससे चमेली कलर चेंज करे, आप देख सकते हो गुस्से में थोड़ा। वेल तो बहुत ही डीप है, आपको वीडियो में ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत डीप है। अभी कुछ ही देर पहले पानी इसमें से निकला था कुछ यूज के लिए, पानी बहुत ही चिल था। तो फार्म में सब घूमते हम लोग, थोड़ा क्रिकेट खेल रहे, तब तक लंच का भी तैयारी हो जाएगा। विलेज के लाइफ और सिटी के लाइफ में बहुत ही फर्क है। सिटी से थोड़ा दूर आके विलेज में ऐसे रह के बहुत ही मस्त लगता है। हम लोग तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी अगर कहीं मौका मिला ऐसे सब विलेज में जाके रहना, तो जरूर ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छे लगेगा, पीस मिलता है अच्छे से। तो लंच रेडी है, लंच पे जाने से पहले मैं सोचा घर के ऊपर से आपको एक वीडियो दिखाऊं, ये इस तरह से दिखता है। आप जहाँ भी देखोगे पूरा ग्रीनरी, बहुत सारे ट्रीज है यहाँ पे, इतने सारे ट्रीज है कि मुझे खुद को नाम भी नहीं पता, कि बहुत ही अलग अलग टाइप के झाड़ है जो कि मेडिसिंस का भी काम करते हैं, और फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ के लिए यूज़ होता है। ऑलमोस्ट अभी खेल के होने के बाद अब बारी है लंच की, तो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम केले के पत्ते के ऊपर लंच करो, फिश फ्राई और पुलाव, राइस, सैलेड और मटन करी, ये सब देख के तो मज़ा ही आ जाता है। और फैमिली के साथ ये सब लंच हो रहा तो एक अलग ही मज़ा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।